एक ऐसा नाम जो आज केवल नाम न होकर प्रेरणा, लगन, परिश्रम और साहस, इन सभी शब्दों का पर्याय बन चुका है। जी हां, यह नाम है कल्पना चावला का। आज की वह युवा जो अपनी बुद्धि, परिश्रम एवं उच्च शिक्षा के बल पर कुछ कर दिखाना चाहते हैं, उनके लिए कल्पना चावला एक मजबूत उदाहरण है, जिससे प्रेरणा लेकर वो सफलता के पथ पर आगे बढ़ सकते हैं। ये वो शख्सियत थी जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर वो कर दिखाया था जिसका सपना उन्होंने 10 साल की मासूम उम्र में देखा था, लेकिन उनका यह सपना बहुत कम समय के लिए अपने साकार रूप में रह पाया था। अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के दौरान कोलंबिया स्पेस शटल के क्षतिग्रस्त हो जाने पर उनके साथ उनका ये सपना भी हमेशा हमेशा के लिए अंतरिक्ष में ही कहीं खो गया। दोस्तों, 1 फरवरी 2003 में हुई इस घटना से न केवल भारत बल्कि पूरा विश्व स्तब्ध रह गया था। यान में सवार सभी क्रू मेंबर्स अंतरिक्ष यान की दुर्घटनाग्रस्त हो जाने के कारण मारे गए थे, जिनमें से एक भारत की बेटी कल्पना चावला भी थी। उस समय घटित हुए इस हादसे का जवाब नासा के पास भी नहीं था। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो भारत की पहली महिला एस्ट्रोनॉट कल्पना चावला को समर्पित है, और आज की वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो आपने आज से पहले कभी नहीं सुनी होंगी। माना कल्पना चावला द्वारा एस्ट्रोनॉट के रूप में बहुत छोटा सफर तय किया गया था, परंतु यह सफर आज अंतरिक्ष में जिज्ञासा रखने वाले भारतीय युवाओं को एस्ट्रोलॉजी के क्षेत्र में अपने कदम जमाने एवं उनका मार्गदर्शन करने के लिए काफी है। तो आइए चलिए कल्पना चावला के जीवन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण और मार्गदर्शन करने वाले पहलुओं पर एक नजर डालते हैं। 17 मार्च 1962 हरियाणा के करनाल में जन्मी कल्पना चावला बचपन से ही आत्मविश्वासी एवं इरादों की पक्की थी। 4 भाई बहनों में सबसे छोटी रही कल्पना चावला की शुरुआती शिक्षा टैगोर बाल निकेतन स्कूल से पूरी हुई। उसके बाद 1976 में एरोनॉटिकल डिग्री हासिल करने के लिए पंजाब के इंजीनियरिंग कॉलेज से बैचलर कोर्स कंप्लीट किया। पर कल्पना का सफर सिर्फ यहीं तक नहीं था, उनके इरादे बहुत ऊंचे आकाश में उड़ने के थे। उनके मन में सूरज चांद सितारों को छूने की लालसा थी, जिसे पूरा करने के लिए उन्होंने 1982 में अमेरिकन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में मास्टर की डिग्री प्राप्त की। उस समय एरोनॉटिक्स की पढ़ाई करने वाली वो अकेली भारतीय लड़की थी। अपनी पढ़ाई के दौरान ही 1982 में उनके जीवन में जीन पियरे हैरिसन शामिल हुए, जिनके साथ वो शादी के बंधन में बंध गई। इसके बावजूद उन्होंने अपनी पढ़ाई एवं सपने को बीच में अधूरा नहीं छोड़ा और साल 1988 में यूनिवर्सिटी ऑफ कोलोराडो बोल्डर से एरोस्पेस इंजीनियरिंग में पीएचडी करने के साथ ही उन्होंने नासा ज्वाइन करके अपने सपनों की ओर पहला कदम बढ़ाया। जल्द ही उन्हें नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रियों के 15वें समूह में सम्मिलित कर लिया गया, जहां कल्पना के लगन और मेहनत से प्रभावित होकर नासा द्वारा उन्हें अपने अगले स्पेस मिशन के लिए चुन लिया गया। यह कल्पना चावला का पहला स्पेस मिशन था, जिसमें उन्होंने विशेषज्ञ और प्राइम रोबोटिक आर्म्स ऑपरेटर के रूप में कार्यभार संभाला था। वो दिन था 19 नवंबर 1997 जब STS-87 कोलंबिया स्पेस शटल ने अमेरिका के कैनेडी स्पेस सेंटर से उड़ान भरी। इस दिन कल्पना द्वारा बचपन में देखा गया सपना पूरा हो गया था। आज वो अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा के लिए अपने 6 क्रू मेंबर्स के साथ कोलंबिया यान में सवार थीं। ये कल्पना की पहली अंतरिक्ष यात्रा थी, जिसे लेकर वो बहुत उत्साहित थीं। इस यात्रा के दौरान कोलंबिया स्पेस शटल कुल 15 दिन और 16 घंटे अंतरिक्ष में रहा था, जिसके बाद 5 दिसंबर 1997 को ये स्पेस यान अपनी अंतरिक्ष यात्रा को पूर्ण करके सफलतापूर्वक धरती पर लौट आया था। इसके साथ ही कल्पना चावला प्रथम भारतीय महिला एस्ट्रोनॉट बन गई थीं, जिन्होंने अंतरिक्ष की सफलतापूर्वक यात्रा करी थी। उनकी इस उपलब्धि से पूरे भारत को गर्व महसूस हुआ था। नासा द्वारा उनके इस मिशन को STS-87 नाम दिया गया था। अपने पहले मिशन में सफल प्रदर्शन और कामयाबी तक पहुंचने के बाद साल 2001 में नासा द्वारा कल्पना को अपने दूसरे स्पेस मिशन के लिए दोबारा चुना गया। इस मिशन का नाम STS-107 रखा गया था। इस मिशन के शुरू होने से पहले ही तकनीकी रूप से कोलंबिया यान में कई तरह की परेशानियां आना शुरू हो गई थीं। टेस्टिंग के दौरान कोलंबिया यान में लगातार आ रही कमियों को देखते हुए नासा द्वारा इस मिशन की लॉन्चिंग डेट 18 बार बदली गई। लगभग 2 साल तक टेक्निकली रिपेयर करने के बाद आखिरकार इस मिशन की लॉन्चिंग डेट
16 जनवरी 2003 तय हो गई। हम और आप या फिर नासा में मौजूद कोई भी व्यक्ति ये नहीं जानता था कि ये यात्रा इस अंतरिक्ष यान की आखिरी यात्रा होने वाली थी। अपनी पहली अंतरिक्ष यात्रा की ही तरह अपनी दूसरी अंतरिक्ष यात्रा के लिए कल्पना चावला बेहद उत्साहित थी। जब कोलंबिया यान द्वारा फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से उसकी आखिरी उड़ान भरी गई, उसी समय इस यान के विंग से एक छोटा सा फोम का टुकड़ा टूटकर अलग हो गया था। मिशन की मैनेजमेंट टीम द्वारा अंतरिक्ष विमान के छोटे से टुकड़े को अहमियत न देकर लॉन्चिंग कार्यक्रम को जारी रखा गया। 15 दिन 22 घंटे और 20 मिनट स्पेस में सुरक्षित और सफलतापूर्वक बिताने के बाद जब ये कोलंबिया यान फरवरी 2003 को धरती पर लौट रहा था, तब तेजी से धरती की ओर लौटते इस अंतरिक्ष विमान के साथ वो हुआ जिसकी हम में से किसी ने भी कल्पना नहीं की थी। किसी को नहीं पता था कि अंतरिक्ष में सफल प्रदर्शन करने के बाद अपनी ही धरती के वायुमंडल में प्रवेश के साथ ही ये अंतरिक्ष यान डिस्ट्रॉय हो जाएगा। जी हां, धरती के वायुमंडल में प्रवेश के साथ ही स्पेस शटल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को एक जोरदार झटका झेलना पड़ा। इसके साथ ही विमान में वायुमंडल में मौजूद गैस तेज दबाव के साथ यान में भर गई, जिससे उन सभी क्रू मेंबर्स को सांस लेने में दिक्कतें आने लगी। इससे पहले वो कुछ कर पाते, हवा के दबाव के कारण उनकी सांसें रुकने लगी। ऑक्सीजन की कमी की वजह से वो सब बेहोश हो गए और उनकी बॉडी के टेम्परेचर के साथ साथ ब्लड प्रेशर भी बहुत अधिक बढ़ गया, जिस कारण उन सभी क्रू मेंबर्स की एट अ टाइम मौत हो गई। वायुमंडल की गैसें तेजी से अंतरिक्ष यान में भर जाने और शटल पर किसी तरह का कंट्रोल न रह पाने के कारण कोलंबिया अंतरिक्ष यान के आंतरिक ढांचे पर दबाव अचानक बेहद बढ़ गया, जिस कारण स्पेस शटल में ब्लास्ट हो गया। धरती की सतह से लगभग 63 किलोमीटर ऊंचाई पर यह शटल अचानक से नारंगी रंग के गोले में तब्दील हो गया, जो बाद में केवल एक धुएं की सफेद लकीर के रूप में दिखने लगा। उस समय तो कोई समझ नहीं पाया कि आखिर यह घटना कैसे घटित हो गई और क्यों ये अंतरिक्ष विमान इस हादसे का शिकार हो गया। नासा के पास अभी इस सवाल का जवाब मौजूद नहीं था, इसलिए सारी दुनिया द्वारा यही समझा जाने लगा कि क्रू मेंबर्स के द्वारा की गई किसी गलती से इस स्पेस शटल में ब्लास्ट हो गया था। लेकिन इस हादसे के पीछे की सच्चाई से अभी हम और आप जैसे आम लोग अनजान थे। नासा द्वारा इस हादसे की जांच के लिए एक टीम गठित की गई, जिन्होंने इस हादसे की बारीकी से जांच करी और जांच के बाद जो सच्चाई निकलकर सामने आई, उसे सुनकर सारी दुनिया हैरान रह गई। इस हादसे के कारण को समझने के लिए आपको स्पेस शटल के बेसिक ढांचे के बारे में जानना होगा। नासा की जांच टीम की माने तो ये पूरा हादसा एक छोटे से इंसुलेशन फोम के टूट जाने के कारण हुआ। हम और आप जैसे तमाम लोग इंसुलेशन फोम के बारे में नहीं जानते, तो आइए चलिए आपको स्पेस शटल के बारे में थोड़ी सी जानकारी देते हैं। स्पेस शटल एस्ट्रोनॉट्स को अंतरिक्ष में पहुंचाने वाला एक रॉकेट होता है, जो हार्ड फ्यूल एवं लिक्विड फ्यूल के द्वारा बनाए गए प्रेशर से ग्रेविटी के अपोजिट ऊपर की ओर जाता है। लिक्विड फ्यूल के तौर पर लिक्विड ऑक्सीजन तथा लिक्विड हाइड्रोजन का उपयोग किया जाता है, जिसे बहुत कम तापमान पर रखकर फ्यूल टैंक में इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए फ्यूल टैंक को इंसुलेशन फोम से कवर किया जाता है, ताकि टैंक के अंदर की हीट बाहर तथा बाहर का टेम्परेचर अंदर लिक्विड फ्यूल को प्रभावित न कर सके। इसके अलावा रॉकेट की बाहरी सतह पर बाइपोड रैंप नामक एक विशेष लेयर भी कोट की जाती है और इसी जगह पर स्पेस शटल को फिक्स किया जाता है। स्पेस शटल रॉकेट के फ्यूल एरिया से ज्वाइंट किया जाता है, जिस कारण यहां का टेम्परेचर लगभग 30,000 डिग्री पहुंच जाता है। इतनी अधिक हीट से बचाने के लिए यहां पर विभिन्न प्रकार के कोटिंग मटेरियल से बने टाइल्स को शटल के ऊपरी हिस्से में लगाया जाता है। इन टाइल्स को व्हाइट टाइल्स कहते हैं, जो लगभग 1200 डिग्री तक के तापमान को झेल सकते हैं। इसी तरह शटल के निचले हिस्से में डार्क टाइल्स लगाए जाते हैं, जो इसे 2300 डिग्री के तापमान से शटल को बचाते हैं। स्पेस शटल में सबसे ज्यादा हीट झेलने वाले पार्ट्स विंग्स को RCC यानी रेन सोर्स कार्बन से कवर किया जाता है। जांच टीम द्वारा दुर्घटना के कारणों का पता लगाने पर यही इंसुलेशन फॉर्म और विंग्स में आई गड़बड़ी इस हादसे के होने की वजह मिली। जी हां दोस्तों, स्पेस शटल लॉन्चिंग के दौरान टैंक पर लगे इंसुलेशन फॉर्म का एक टुकड़ा टूटकर प्लेन के लेफ्ट विंग में लगे RCC पैनल से जा टकराता है। इस टकराव की वजह से शटल के लेफ्ट विंग में लगभग 10 इंच का छेद हो गया था। उस समय किसी ने सोचा भी नहीं था कि इंसुलेशन फोम के इस टुकड़े द्वारा किया गया छेद स्पेस शटल को इतना भारी नुकसान पहुंचाएगा।
स्पेस शटल को अंतरिक्ष से लौटने के दौरान वायुमंडलीय दबाव पड़ने पर यह छेद इस दबाव को झेल नहीं पाया, जिसके कारण भारी हीट शटल के अंदर पहुंच गई और एस्ट्रोनॉट्स के शरीर का तापमान अचानक बढ़ने लगा और उन्हें सांस लेने में दिक्कतें होने लगी, जिस कारण शटल के ब्लास्ट होने से पहले ही उन सभी एस्ट्रोनॉट्स की मौत हो चुकी थी। नासा के मुताबिक दुर्घटना का असली कारण ये इंसुलेशन फॉर्म ही था। इस बात को साबित करने के लिए जांच टीम द्वारा शटल के विंग का डुप्लीकेट बनाकर एक फॉर्म के टुकड़े द्वारा 804 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकरा कर देखा गया, जिससे इस बात की पुष्टि हो गई कि यकीनन घटना का मुख्य कारण यही रहा था। हादसे के 10 साल गुजर जाने के बाद 17 जनवरी 2013 में कोलंबिया प्रोग्राम के मैनेजर वैन हेग ने इस घटना से जुड़ा बड़ा खुलासा किया। उनके अनुसार इंसुलेशन फॉर्म टूटने की घटना को मिशन लॉन्चिंग टीम द्वारा देख लिया गया था और सब लोग ये बात अच्छी तरह समझ चुके थे कि इस कोलंबिया यान का अब सुरक्षित लौटना नामुमकिन है और इसकी जानकारी क्रू मेंबर्स को देने पर भी इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो सकता था। हालांकि ये भी कहा गया था कि नासा उस समय विंग्स को हुए नुकसान का अंदाजा नहीं लगा पाया था। शायद इसी कारण ये बात कोलंबिया में बैठे क्रू मेंबर्स और बाहरी दुनिया से छिपाई गई थी। दोस्तों, बहरहाल कारण कुछ भी हो, इस भीषण हादसे में हमने जो खोया उसकी भरपाई कोई नहीं कर सकता। 5 फरवरी 2023 को भारत सरकार द्वारा कल्पना चावला के सम्मान में यह फैसला लिया गया कि इसरो मौसम विभाग द्वारा जितने भी उपग्रह अंतरिक्ष में भेजेगा उन सभी का नाम कल्पना चावला की याद में कल्पना सैटेलाइट होगा। इसके अलावा कल्पना चावला स्कॉलरशिप भी उनकी याद में शुरू की गई। नासा द्वारा उनके सम्मान में मंगल ग्रह पर एक पहाड़ी का नाम कल्पना हिल्स रखा गया है। साथ ही एक सुपर कंप्यूटर भी कल्पना के नाम से लॉन्च किया गया है। तो दोस्तों, ये थी अंतरिक्ष में चमकने के लिए आतुर एक सितारे की कभी ना भूलने वाली कहानी, जो वक्त से पहले ही उस अंतरिक्ष में कहीं गुम हो गया। उम्मीद करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा। जय हिंद।